अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। काम को तीन बार रिपीट करते रहा हूं ना, बंदा वही बात करता है। सर 12 घंटे ड्यूटी करो, लेट हो जाता तो कैसे घर में रिटर्न करते लेडीज को? 5 मिनट 5 मिनट लेट हो जाता है इसके लिए हम लोग को घर पर। और एक लेडीज मशीन चला रहा है तो मैं उस चीज में बात नहीं करूंगा, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। 5 मिनट आप सुन लीजिए, कौन आएगा आपसे? ठीक है, जो भी आएगा बात करो आप आपस में, तो दो नाम नंबर के साथ में मनोज जी को बुला दो। हम मंगलवार या बुधवार आपके मालिक को बुलाएंगे और आप में से भी लोग बुलाएंगे। देश छोड़ के कोई उत्तर प्रदेश ऐसे, यहाँ पर पहले पंप का पूरा हब था, अब सभी उठ उठ के जा रहे हैं कोयम्बटूर। क्यों? क्योंकि वहाँ उनको ज़्यादा काम मिलता है उसी लेबर से। तो कहने का मतलब है हम लोग काम से ना घबराएं। ये बात बिल्कुल मांग है कि आप काम पूरा करो उतना पैसा मिले, ये मांग होनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन काम से ना घबराएं। चलिए चाहिए और हमको कोरे कागज पर साइन नहीं चाहिए। कौन करा रहा कोरे कागज पर साइन? सर करवा रहे हैं, सुलभ सर। हैं? सुलभ सर क्या बोल रहे हैं? बोले मैं स्टाम्प पे लिख के दे रहा हूँ, स्टाम्प नहीं मंगा रहे हो, कोरे कागज पर साइन करवा रहे और परमानेंट लेटर भी नहीं दे रहा हूँ मैं। वो हमको लेटर भी नहीं दे रहे और कुछ भी नहीं दे रहे, और इसलिए हम बाहर बैठे कि जब तक हमारी साइन नहीं आगे, जब तक कलेक्टर साहब से आमने सामने बात नहीं होगी, जब तक हम ड्यूटी नहीं करेंगे। तो फिर आप यहाँ पे आप जब तक बैठेंगे कि आप वापस घर जाएंगे? मंगलवार तक यही बैठेंगे, हमारी मांगे पूरी हो जाएगी तो हम अंदर चलेंगे। अभी कितने कर्मचारी अंदर काम कर रहे हैं? अभी कितनी कितनी महिलाएं वहाँ, महिला श्रमिक? 10-12 लेडीज है, 10-12 लेडीज और 10-12 जेंट्स। अच्छा, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनसे साइन करवाई क्या उन्होंने? आपने देखा था क्या? देखा था ना, वो है ना, हमारे साथ दुबई गई थी अंदर, पूरे कागज पर साइन करवा लिया। हमको नहीं देते, हमारे साथ साइन करवा लेते हैं, बाद में फाड़ देते हैं 2 महीने बाद। क्या नाम है आपका? शारदा सोलंकी। पर आज जो है यहाँ पर कंपनी के बाहर बैठे हैं, क्या कुछ कारण है और जो क्यों बैठे हैं आप? हाँ, मैंने कंपनी की मुसीबत करके बैठे कि हमको 8 घंटे ड्यूटी चाहिए और सरकारी रेट चाहिए। हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हम यहाँ के परमानेंट है कि नहीं है, कागज की स्लिप दी जाती है हमारे को और 300 दिन काम करना पड़ता, सरकारी कोई छुट्टी नहीं है हमारे को। इस विषय को लेकर कल कलेक्टर साहब से आपकी चर्चा भी हुई थी? हाँ, हुई थी सर। उसके बाद आपको आश्वस्त भी किया गया था? किया गया, मंगलवार का दिन दिया है ना। हाँ, आप आज आपका बैठने का कारण क्या था? आज हमारा बैठने का कारण यही था कि बोला गया था कि आप कंपनी के सामने जाके बैठ सकते, पहले काम मत करना। हम आए, सेठ भी ने हमको बाद में घुमाया, आदि भाई उन्होंने अंदर गई है कि बोलता मैं सरकारी रेट तो नहीं दूंगा, कल 2 छुट्टी दूंगा हमको, होनी चाहिए हमको पूरी 4 चाहिए। है? हमको पूरी 4 छुट्टी चाहिए महीने की। अच्छा। सरकारी वेतन चाहिए और सरकारी रेट के हिसाब से ही चाहिए।
और सरकारी सभी छुट्टी चाहिए, परमानेंट लेटर चाहिए। हमको ये चाहिए प्रमाण कि हम यहाँ के मजदूर हैं, हमारे हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। आपको अभी कोई प्रमाणित कोई ऐसा कागज नहीं है जो आपकी स्थायी रूप से कर्मचारी नहीं है? नहीं है, नहीं है सर। हमारा बीमा भी अभी है, आधार कार्ड का है ना, यही जमा पूरा करता है, ये इसके पास से कुछ भी नहीं मिलाता है। अच्छा, हाँ सर। कब से बैठे हैं आप यहाँ पर? हम अभी सुबह के बैठे हैं आज तो, वैसे तो हम कल से बैठे हैं धरना देके, पर आज भी बैठे सुबह से सारे बैठे। अच्छा, कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, उन्होंने आपको अंदर नहीं बुलाया? वो यूँ कहते हैं, हमने उनकी बात सर बाहर सुनी तो हमने सोचा हमारी भी शर्त आप सुनो, तो उन्होंने हमारी शर्त नहीं सुनी, वो अंदर गेट में जवाब जो तुमसे बने कर लो, ऐसा हमको लैंग्वेज में बोल के गया बड़ा सर। कौन था उसका नाम है? सुलभ अरोरा है। सुलभ अरोरा? सुलभ अरोरा। हाँ। कहाँ रहता है ये? ये देवास में रहता है। अच्छा, आपका नाम बताओ? मेरा नाम है वर्षा मालवीय। कंपनी के बाहर खड़े हैं, क्या कुछ अंदर कंपनी में बनता है और कैसे बनता है वो बताइए हमको सर। हम लोग ऑपरेटर हैं, हम लोग ट्यूब बनाते हैं, अगर हमारा पिघला हुआ प्लास्टिक हमारा हाथ पांव पे गिरता है तो यहाँ पे कंपनी में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, क्या मेडिकल वगैरह कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, किसी अगर किसी का हाथ वात मशीन में आ जाता है तो टू व्हीलर पे रात को लेके जाते हैं हमको बस। अच्छा, बाकी यहाँ के लिए कोई सुविधा नहीं है, वो भी एक घंटे बाद लेके जाते हैं जब तक आदमी के आता हूँ। ऐसा पहले कई बार हो चुका है? हादसा हो चुका, बहुत बार हो गया। अच्छा, तो फिर आपने कंपनी प्रबंधन से किसी प्रकार से बात करनी? सर कंपनी प्रबंधन सुनते ही नहीं हमारे, ना मैनेजर ना सुपरवाइजर ना शटर, कोई भी नहीं सुनता। और हम मशीन ऑपरेटर मशीन भी चलाते हैं, डैया भी खोलते हैं, और वो लोग हाथ बांध के शटर ऑनर सब की सब रहते हैं खड़े। मशीन ऑपरेटर से ही मशीन खुलवाई जाती है, मशीन खुलवाने के लिए कोई दूसरा बंदा? नहीं, मशीन ऑपरेटर से ही खुलवाई जाती है। और इस मामले में मैनेजर को भी मैंने शिकायत करी है कि डॉक्टर सक्सेना ने मुझे भारी वेट और ताकत लगाने के लिए मना करा है, जबकि मेरे से मशीन उन्होंने खुलवाई जाती है। क्या कुछ आपका आपको प्रॉब्लम हुई थी जो डॉक्टर सक्सेना को दिखाना पड़ा? जी हाँ, मेरा हार्ट में भी तकलीफ है, और मैंने बोल रखा उनसे कि MRI जांच मेरी हुई है सर, ये प्रॉब्लम है, तो मेरे से बोला आप नाइट कर लो, तो मैं चार महीने से कंटिन्यू नाइट कर रहा हूँ। और फर्स्ट में बोला कि मैं हेडिंग मशीन चलाऊँगा, ऑपरेटर ही करूँगा, तो मेरे को सुपरवाइजर ने साफ बोल दिया कि आपको नहीं करना फर्स्ट। क्या नाम है आपका? प्रशांत जाधव। कौन सी कंपनी में काम करते हैं? जी लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है।